Hi guys, welcome to a new day and welcome to our new vlog. We are at Rishikesh this time. Basically, Rishikesh लोग आते हैं गंगा देखने and योगा करने and गंगा आरती देखने, but हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ एक दिन के लिए and we are going to explore rafting and camping experience at Rishikesh. As you can see, the water, the Ganges, while we are traveling, it is looking so beautiful and people are doing rafting. Getting ready for rafting. फूल चट्टी बेथिंग घाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग घाट्स. आप यहाँ पे ज़रूर आएँ एंड गंगा के दर्शन करें. द व्यू फ्रॉम हेयर इज़ वेरी ऑसम एंड द वाटर इज़ सो क्लीन. जस्ट इन्जॉय द लवली सीनिंग ब्यूटी ऑफ गंगा. आई वॉज सो मेसमराइज्ड सीइंग दिस दैट मैंने इतने शूट्स लिए एंड आई वॉज वे स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम फ्रॉम हेयर एंड हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे सिर्फ 30-40 मिनट्स रुकेंगे, बट इट वॉज सो ब्यूटिफुल दैट वी स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2-3 आवर्स हेयर एंड द व्यू एंड द वाटर वॉज सो गुड. एंड बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, बट वी हैड टू रीच अवर कैंपिंग लोकेशन, सो वी क्विकली स्टार्टेड बैक फॉर आवर ड्राइव to our camps. But by the time we reached there, it was quite dark. Abhi sirf 6 o'clock hua evening ka, but it was quite dark because it winters, the sun is setting very early and it was difficult to reach out to the camp. Agar yahan tiger aa jaye to डिस्कवरी वाला जो एडवेंचर नहीं होता है वो कर रहे हैं. यही जाना है? हाँ हाँ, ये बीच में रोड है. स्काई देखो कैसे कलर लग रहा है, डिफरेंट ही कलर है. कहाँ हम चले आए हैं, क्या हम खो गए हैं? Hi guys, happy new year to all of you and starting the first trip of 2021. Today we are at Rishikesh and hum ek is bar thodi unexplored si location pe aaye hain. Log bahut tedhe medhe raston se hote hue somehow we reached our destination. So is white cottages and this is our campsite where we'll be staying for the night with all the barbecues and basically a bonfire beside the river. Jagah ka naam Mohan Chitti village hai jo ki Rishikesh ke outers pe hai. Ye river Ganges ke side se hoke behti hai. Basically ye ek river bed hai Ganga nadi ka, jo ki bahut broad hai lekin is samay due to dam लोगों ने पूरा वाटर रोक रखा है. आप देख सकते हैं हम लोग अपनी अपनी कार्स यहाँ कैंप साइट तक लेके आ गए हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर पानी था, नहीं था एल्टीट्यूड के ऊपर पार्क करनी पड़ती पहाड़ों पे. और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रिजॉर्ट्स हैं, लोगों ने ऑक्यूपाई करके जगह अपने अपने कैंप्स लगा रखे हैं. और यहाँ पर शाम के समय और ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है. अभी तो दोपहर का टाइम है तो सन रेज आर ऑल्सो ऑलमोस्ट डाइंग नाउ. तो गाइस आखिरी तक हमारे साथ रहिए और देखिए हम क्या क्या करते हैं इस अतरंगी सी ट्रिप पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अ वीडियोस टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम स्काईलाइन. अभी हम लोग अपना रिसॉर्ट आपको पूरा दिखाते हैं. बेसिकली ये एक कैंपिंग के साथ एडवेंचर भी है, तो आपको बहुत सारा क्लाइम करना पड़ेगा
मजबूत घुटने वाले लोग ही आए, जिनके घुटने मजबूत नहीं है वो यहाँ नहीं आए। गाइस दिस इज़ अवर ब्यूटिफुल कैंप साइड एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बीच में प्लेइंग एरिया है जहाँ पे बॉन फायर एंड किड्स प्लेइंग प्लेस है एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन्स। आपके टेंट्स हैं यहाँ पे एंड साइड में एक रिवर भी है जो बहुत ब्यूटिफुल है एंड हम उसको एंड ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज़ अवर कैंप टेंट इन साइड का, इट हैज़ अ बेड एंड बेसिक एमिनिटी एंड इट इज़ वेरी क्यूट, आई लाइक दैट। इट वॉज वेरी कोल्ड टू लिव इन अ टेंट बट दिस वॉज अ ऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस। Now we are heading for the lunch and when we booked this camp, so it has inclusion of all lunch, dinner and breakfast. So currently we are going for lunch. We came here with the family and kids and it was a nice experience. The night here was very beautiful, it was very peaceful and you can hear the river water and it was peace all together. And the camping people have done arrangement for the bonfire and the music and jahan pe hamare camp ke pas there was a shooting going on for some series, so there were this fireworks happening there. Ye dekho chotu ne kitna topa pehna hai, one topa, two topa, three topa, ye three toplu hai hamare sath ek. सुबह का 7 बज रहा है, रात में यहाँ बारिश हुई है, बहुत ठंडी है। ये देखिए गाइस, हमारे कैंप के सामने जो एक रिवर बेड है हम अभी वहाँ पे जा रहे हैं विजिट करने एंड आई एम गोना टेस्ट माय फोन दैट वेदर इट इज़ वाटर प्रूफ और नॉट एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू इट, सो आई एम गोना डू इट, लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी रोक के देखेंगे पहले। So now we are heading back and the stay was awesome. अभी हम लोग ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हैं बट वी हैव नो प्लान फॉर राफ्टिंग, मे बी वी विल सी अदर पीपल डूइंग राफ्टिंग एंड इट्स वेरी कोल्ड हेयर। गाइस हमने राफ्टिंग तो नहीं करी बट वी रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर द राफ्टिंग स्टार्टेड एंड वी वर वॉचिंग अदर पीपल डूइंग राफ्टिंग, इट वॉज वेरी कोल्ड and when you go for rafting obviously you will get wet and we were not ready to take that risk of getting wet, so we washed it and but we have seen other people doing rafting and it was very good to watch. Maybe when we come back sometimes here in summer we will do the rafting and this is a lovely place to visit. Make sure you visit this place and if you like our videos do subscribe to our channel and share this video as much as possible. Thanks for the love you give to us. Front upper t उधर से किसी चप्पू वाल दिया होगा।